दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसका कॉमेडी के मामले में कोई तोड़ नहीं है तो कहानी शुरू होती है हम देखते हैं काली कार को जो कि आगे चली जाती है और फिर से पीछे आती है कार का मालिक जिसका नाम बाबर टिल्लू है लड़की से मेडिकल कॉलेज जाने का रास्ता पूछता है कहता है मेरा गधा ड्राइवर रास्ता भूल गया है ये इतरा के बोलती है यहाँ से सीधा जाइए फिर लेफ्ट लीजिए फिर ब्रिज के ऊपर बाबर टिल्लू मुद्दे पर आता है क्योंकि इसे अपनी कार इसके गोदाम में पार्क करनी थी कहता है इतने लाल है तुम्हारे बाल क्या लगाती हो मेहंदी मेहंदी करती हो क्या ये फिर से इतरा के बोलती है नहीं नेचुरल है बाबर चौक जाता है नेचुरल है ही 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 ही। फिर तो वहां के भी बाल लालम लाल होंगे ये कहती है चलबे होती है हमें पता चलता है कि बाबर टिल्लू ही इस कार का ड्राइवर था तो अब ये एक क्लाइंट को पिक करने के लिए जाता है जिसका नाम मार्लो है वैसे मेरे नजरिए से इसका नाम रोज मेरी मार्लो होना चाहिए था टिल्लू इसकी खूबसूरती देख मोहित हो जाता है इसके तोते उड़ जाते हैं कार में पूछता है आप एयरपोर्ट क्यों जा रही है ये पूछती है आपको कैसे पता टिल्लू कहता है मैंने आपकी फ्लाइट टिकट देखी जिससे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है ये कहता है मैं परमानेंट ड्राइवर नहीं हूँ मैं और मेरा दोस्त डम्बो पैसे बचा रहे हैं अपना खुद का पेट स्टोर खोलने के लिए ये कहती है अच्छी बात है कहता है कीडे हैं हम ये पूछती है क्या कहा आपने ये कहता है कीडे हैं हम यही नाम रखेंगे हम अपने स्टोर का दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके चड्डी बड्डी दोस्त डम्बो को जो कि अपनी अलीशेषन कार को बहुत तेज दौड़ा रहा है क्योंकि इसे इसकी कार में बैठे इन कुत्तों को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जल्दी से जल्दी पहुँचाना है कुत्तों की मालकिन आती है जो कि इस पर गुस्सा होती है क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ये पहले ही 40 मिनट देरी से आया था डम्बो कहता है आप फिक्र ना करें मैं कुत्तों को अच्छे से नहला धुला कर लाया हूँ हम देखते हैं इसके नहलाए धुलाई कुत्तों को जो कि इसकी तेज गाड़ी चलाने की वजह से पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में थे अब बाबर टिल्लू और मार्लो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं जहाँ पर मार्लो इससे पैसे देती है ये कहता है ओह नहीं मार्लो मैं ये बिल्कुल नहीं ले सकता हमारे बीच में इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं तो ये अब टिल्लू को थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगती है टिल्लू कहता है हे गले नहीं मिलोगी मार लो डरते डराते इससे गले मिलती है टिल्लू इसके भारी सामान को ऐसे भींच देता है जैसे दो ट्रकों के बीच में नैनो कार कहता है कभी अलविदा ना कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये कहती है अबे बावली इतनी ही देर में ये इसके होठों पर उंगली रखकर कहता है बस चली जाओ टिल्लू अभी दस मिनट पहले ही तो मिला था इससे और इसका दीवानों सा हाल देखो अब बाबर टिल्लू अपनी कार से इसको जाते हुए देख रहा था तो इसकी कार आगे वाली कार से जाकर टकरा जाती है ये देखता है कि वो अपना ब्रीफ केस यही पर भूल गई है जो कि दरअसल वो भूली नहीं थी ये ब्रीफकेश इसने इन दोनों घोचुओं के लिए छोड़ा था लड़की का नाम अस्थि है और इस घोचू का नाम पंजर तभी टिल्लू दौड़ता हुआ आता है और इस ब्रीफ केस को लेकर मार्लो को देने के लिए दौड़ता है हमें पता चलता है की वो स्पेन की फ्लाइट लेकर यहाँ से उड़ गई है सिक्योरिटी वाला इसे अंदर जाने से मना करता है ये कहता है टेंशन मत लो मैं गाड़ी चलाता हूँ और अपना लाइसेंस दिखाता है जहाँ पर ये ऊपर से सीधा नीचे गिरता है इसके मुँह से आवाजें निकलती है yeah! अब टिल्लू और डम्बो दोनों एक ही टाइम पर अपनी बस्ती पहुंचते हैं जहां पर ये बातें करते हैं हमें पता चलता है कि इन दोनों की नौकरी चली गई है डम्बो पूछता है ये ब्रीफ केस किसका है ये इस पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है ये प्यार की निशानी है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है मैंने उसको एयरपोर्ट छोड़ा हम दोनों की आंखें चार हुई कहता है उसने मुझसे बात की डम्बो कहता है तू 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 झूठ बोल रहा है ना ये कहता है ये सच है प्यार के भावर ने मुझे अंदर खींच लिया डम्बो पूछता है इस ब्रीफकेस में क्या है टिल्लू कहता है अबे साले मैं कोई चिंदी चोर थोड़ी हूँ जो किसी का भी ब्रीफ केस खोल कर देख लू तभी कोई इनका दरवाजा खटखटाता है ये अपने दरवाजे के होल से झाकते हैं हम देखते हैं की अस्थि पंजर इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए है पंजर के पास गन थी तो टिल्लू डम्बो से पूछता है तूने गैस का बिल भरा था ये बुरी सी शकल बनाकर कहता है नहीं टिल्लू कहता है तुझे मालूम है तूने क्या कर डाला और ये दोनों अपनी पीछे वाली खिड़की खोलकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं अस्थि पंजर दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं इन्हें पता चलता है कि पर पर नहीं है पर इन्हें उन्हें सजा देनी थी ताकि उनको सबक मिल सके तो पंजर इनकी मैना की गर्दन मरोड़ देता है अब सुबह से रात हो गई थी इन लोगों को जॉब ढूंढते ढूंढते पर इनको कोई जॉब नहीं मिलती टिल्लू कहता है मैं स्टोर जाकर आता हूँ डम्बो कहता है सिर्फ जरूरत की चीजें ही लाना क्योंकि सिर्फ इतने ही पैसे हैं हम देखते हैं टिल्लू दो बियर की एटी और ना जाने क्या क्या अटरम शटरम खाने का लेकर आया है तभी इसको मैगजीन का एक बूथ दिखता है जिसमे ये पैसे डालकर एक मैगजीन को उठाता है परंतु अंदर ही अपने वॉलेट को भूल जाता है ये इस बुढ़िया से कहता है क्या आप एक मेहरबानी करेंगी जब तक मैं वापस ना लौटू क्या आप मेरे सामान पर नजर रखेंगी ये कहती है मुझे कोई ऐतराज नहीं है टिल्लू मैं जाकर छुट्टे लेकर आता हूँ तब तक आप मर मत जाना ये अपने फ्लैट में वापस पहुँचता है कहता है उस मासूम बुढ़िया ने मुझको ठग लिया मुझे उस पर जरा भी शक नहीं हुआ डम्बो कहता है यार मेरी पेटी मर गई टिल्लू पूछता है ये कैसे हुआ डम्बो कहता है नहीं पता पर उसकी गर्दन टूट कर गिर गई क्योंकि उसकी काफी उम्र हो गई थी टिल्लू कहता है बस और नहीं मैं तंग आ गया हूँ हमारे पास खाना नहीं है हमारे पास जॉब नहीं है और हमारे पक्षियों की गर्दन टूट टूट कर गिर रही है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमें इस शहर से बाहर निकलना चाहिए हम ऐसी जगह जाएंगे जो गर्म हो ऐसी जगह जहाँ झरनों से बियर बहती हो मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जिसका नाम एस्पिन है डम्बो कहता है पता नहीं झरने की बियर कितनी साफ होगी अब ये दोनों एस्पेन की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर बाबर टिल्लू इतना खुश था इतना खुश था की इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था हकीकत तो ये थी कि ये उस ब्रीफ केस को लौटाने के लिए जा रहा था डम्बो इससे पूछता है ये खाने का सामान कहाँ से मिला टिल्लू कहता है पेट्रोल भराते वक्त खरीदा था डम्बो कहता है ये क्या किया तुमने पैसे पहले ही कम है और तुम गुल छर्रे उड़ा रहे हो टिल्लू कहता है ये मैंने सफर के पैसों में से नहीं लिया मैंने निकलने से पहले कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए थे डम्बो सक्की नजरों से इसकी तरफ देखता है पूछता है कहा से कमाए थे तूने एक्स्ट्रा पैसे ये बोलता है मैंने कुछ सामान बेचा डम्बो क्या सामान बेचा टिल्लू कहता है मैंने तुम्हारा मरा हुआ पक्षी एक अंधे को बेच दिया हम देखते हैं इनके मरे हुए पक्षी को जो इन्होंने एक अंधे बच्चे को बेच दिया था जिसकी गर्दन पर टिल्लू ने सैलो टेप दबाकर लपेटी हुई थी ये बच्चा पक्षी से बार बार उठने के लिए बोलता है पर पक्षी कोई रिप्लाई नहीं देता अब इन दोनों को भूख लगती है तो ये खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वेटरस जब खाना सर्व करती है तो टिल्लू कहता है चिकनी और ये दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं ये इन पागलों को इतनी अजीब और बुरी तरह से हंसते हुए देखती है है बात घुमाने के लिए डम्बो कहता है, इस सोडे में गैस नहीं है बुलबुले दिख ही नहीं रहे ये गिलास को गुस्से में उठाती है और दबाकर फूक मारती है गिलास को पटक कर कहती है अब दिखे बुलबुले टिल्लू कहता है डम्बो ये क्या किया तुमने तुमने नमक गिरा दिया तुम्हे पता है ना सफर के दौरान नमक गिराना कितना अपसगुन होता है चलो अब जल्दी से नमक को अपने दाए कंधे से पीछे फेंको डम्बो नमक दानी उठाकर पीछे फेंक देता है जो की इस गधे के सर पर लगती है पूछता है पूछता किस उल्लू के पट्टे ने मेरे सर पर ये नमक दानी देकर मारी अपना बाबर टिल्लू जिसकी फटी पड़ी थी वो इशारे करके बता देता है इसने किया इसने 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 और डर के मारे खिड़की से बाहर झांकने लगता है ये डम्बो के नजदीक आता है और एक गिलट का रुपया इसके बर्गर में थूक देता है अब टिल्लू उनको सबक सिखाने के लिए उनके पास जा है और माफी मांगते हुए कहता है हम आपको माफी के तौर पर बियर पिलाना चाहते हैं तो ये काउंटर पर जाते हैं और कहते हैं नमकदानी वाले भाई साहब ने हमारी टेबल का बिल चुकाने के लिए कहा है वो इशारे में कह देता है हाँ हाँ मुझे ही बियर चाहिए पर इस गधे को क्या पता था इन्होंने अपनी टेबल का बिल इनकी टेबल पर ट्रांसफर कर दिया है ये दोनों यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं ये दौड़कर गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और कहते हैं इन कमीनों को छोड़ेंगे नहीं तभी टिल्लू को जोर की लघु शंका लगती है डम्बो कहता है मैं कार नहीं रोकने वाला और पीछे से एक बियर की बोतल उठा कर देता है टिल्लू चार पाँच बियर की बोतल भर देता है स्पीड ज्यादा होने की वजह से एक पुलिस वाला इनको रुकवा लेता है पूछता है तुम लोगो ने थोड़ी सी चढ़ा रखी है सही है न ये कहते हैं ओ नहीं नहीं सर नहीं, नहीं, नहीं। पुलिस वाला कहता है तो फिर ये क्या है कहता है चलती हुई गाड़ी में शराब पीरा गैर कानूनी है तुम्हें पता है ना और टिल्लू से कहता है चलो अब कटोरा कट हेयर स्टाइल वाले ये मेरे हवाले करो ये बियर की एक सिप लेता है और इसका मुंह अपने आप चलने लगता है दफा हो जाओ यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं मार्लो अपने पिता से कह रही है मैं ब्रीफ केस को वही पर छोड़ कर आई थी तो उन्हें कैसे नहीं मिला अभी तक तभी यहाँ पर निकोलस नाम का एक शख्स आता है कहता है आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें सब कुछ ठीक हो जाएगा हम देखते हैं अस्थि पंजर को जो कि उन दोनों का पीछा कर रहे थे अस्थि पंजर से कहता है मैं उनसे लिफ्ट मांगूंगा और फिर हमें पता चलेगा कि वो कोई खुफिया एजेंसी वाले तो नहीं हैं हम उनको मारकर उनसे ब्रीफ केस छीन लेंगे और जब इनकी गाड़ी आती है तो ये लिफ्ट मांगते है ये गाड़ी रोकते हैं और इसको अंदर बैठा लेते हैं जहाँ पर पंजर कहता है यारो क्यों ना हम रेडियो पर गाने सुन ले टिल्लू कहता है शुरू हो जाओ ये गाना गाते है जरा झूम झूम जरा झूम झूम दिल में मचाई तूने धूम अब जैसे कि ये गाना सुनकर आप लोगों का दिमाग खराब हुआ ऐसे ही पंजर का दिमाग भी खराब हो जाता है ये अपनी जैकेट से गन निकाल कर इनको तो शूट करने ही वाला था तभी कुछ लोग और लिफ्ट के लिए खड़े थे ये सबको लिफ्ट देते हैं अब ये एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पर ये दमदार मिर्ची का अचार खाते हैं जिससे इनकी हालत खराब हो जाती है और सभी लोगों की नजर इन दोनों नमूनों पर पड़ती है भार पंजर निकोलस के पास कॉल करता है निकोलस वही आदमी है जो मार्लो को सांत्वना देने के लिए उनके घर गया था पंजर कहता है मैं उन दोनों को चूहे मारने वाली दवाई देकर मार दूंगा हम अंदर देखते हैं डम्बो और टिल्लू ने मिलकर इसके बर्गर में दमदार मिर्ची वाला अचार डाल दिया ये पूछता है तो तुम एसपिन घूमने के लिए जा रहे हो बाबर टिल्लू कहता है पहले खा लो फिर बातें करते हैं ये पूछता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं है एक बैग है और एक ब्रीफ केस डम्बो कहता है एक औरत उसे एयरपोर्ट पर भूल गई थी हम उसे वापस देने के लिए जा रहे हैं ये दबाकर हंसता है सोचता है ये दोनों कितने बड़े नमूने हैं जैसे ही ये अपना दमदार मिर्ची वाला बर्गर खाता है इसकी सासे रुक जाती है इसका मुंह पसीने में लाल हो जाता है ये दोनों दबाकर हंसते हैं और जब इसकी शक्ल देखते हैं तो सोचते हैं इसको मदद की जरूरत है ये कहता है मुझे मेरी दवाइयाँ दे दो डम्बो इसकी जैकेट से चूहे मारने वाली दवाई इसके मुंह में ठूस देता है पंजर जब इसके हाथ में चूहे मारने वाली दवाई की डबिया देखता है तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं अब ये दोनों अपना सेशन लेकर यहाँ से निकल जाते हैं होटल में पुलिस आती है वो छानबीन करती है उन्हें पता चलता है की पंजर को जहर दिया गया था अब ये भी उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना शुरू कर देते हैं ये दोनों पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ पर डम्बो एक लोंडिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है तभी इसका पेट्रोल गाड़ी से ओवरफ्लो होकर बहने लगता है जो कि इसके जूतों पर गिरता है अब जब डम्बो लोंडिया की सिगरेट जलाता है तो माचिस को नीचे अपने जूतों पर डाल देता है जिससे इसके जूतों में आग लग जाती है हम बाथरूम है। है, मुझे वसीहत तो लिख, तो लिख लेने दो ये अपनी पेंट उतारता है कहता है यहाँ लिख लो अपनी वसीहत टिल्लू डर के मारे कोने में बैठ अपना अंगूठा चूसने लगता है तभी यहाँ पर डम्बो आता है वो जोर से दरवाजे पर लात मारता है जिससे पकदानी वाला आदमी दीवार से टकराकर गिर जाता है ये अपना पैर सीट में डालकर अपनी आग को बुझाता है और जब इन दोनों को देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं अब ये दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर डम्बो वही टॉयलेट वाली बात पर इस पर जोर जोर से हंस रहा था जिससे टिल्लू को बहुत बुरा लग रहा था डम्बो को नींद आ रही थी तो बाबर टिल्लू गाड़ी चलाता है इसको सोता देख ये इसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है जिसकी वजह से ये एक गलत मोड़ ले लेता है अब सुबह होती है डम्बो उठता है और सामने देखता है कहता है यार एस्पेन में तो बड़े बड़े पहाड़ होने चाहिए थे टिल्लू कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था यहाँ पहाड़ तो क्या एक पत्थर भी नहीं है डम्बो को पता चलता है की ये लोग गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो वो गुस्सा होकर एक खेत में जाकर बैठ जाता है टिल्लू कहता है अब छोड़ना यार हम जरा सा ही तो आगे आए हैं इसमें ऐसे गुस्सा होने वाली क्या बात है डम्बो कहता है थोड़ा तू हमें पूरे 600 मील से भी ज्यादा गलत दिशा में आगे ले आया है अब हमारे पास एस्पेन पहुँच तक के भी पैसे नहीं हैं और ना ही हमारे पास घर वापस जाने के पैसे हैं। टिल्लू एक मोटिवेशनल स्पीच देता है कहता है कहता यार अब ऐसे चिलम चिल्ली करने से थोड़े ही कोई रास्ता निकलेगा हम मुसीबत में है और हमें ही इससे निकलने का रास्ता सोचना होगा डम्बो कहता है हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है और गुस्से में पैदल ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है ये पैदल चलते चलते बहुत दूर आ गया था तभी पीछे से टिल्लू इसको आवाज लगाते हुए आता है डम्बो पूछता है ये कहा से मिली तुझे टिल्लू कहता कहता है एक बच्चे से ली ये एक लीटर में सत्तर मील चलती है डम्बो कहता है जब भी मुझे लगता है की तू इससे ज्यादा कोई भी बचकानी हरकत नहीं करेगा तभी तू कुछ ऐसा करता है जैसा कोई अकलमंद आदमी भी नहीं कर सकता कहता है ये तो रापचिक डील है अब ये दोनों खुशी खुशी एस्पेन की तरफ आगे बढ़ते हैं ये लोग बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर डम्बो को बहुत जोर से सुस्सू लगी थी टिल्लू कहता है यहीं पर कर दे मेरे भाई और ये दोनों चलती हुई बाइक पर ही सुस्सू कर देते हैं जिससे इनको बहुत आराम मिल तो हम इनकी हालत देखते हैं इन दोनों की नाक से 11 नंबर निकल रहा था और सर्दी की वजह से इनकी कुकड़ी बनी हुई थी रात में दोनों आग तापते हैं डम्बो कहता है ठंड की वजह से मेरी उंगलियां मुझे महसूस नहीं हो रही टिल्लू कहता है तू ये एक्स्ट्रा दस्ताने पहन ले अब मेरे हाथों में पसीना आने लगा है डम्बो चौक कर बोलता है एक्स्ट्रा दस्ताने तूने ये एक्स्ट्रा दस्ताने पूरे वक्त खुद ही पहन रखे थे टिल्लू कहता है, करता है।, इसी बीच ब्रीफ केस दूर है जिससे वो खुल जाता है जिसमे बहुत सारे पैसे भरे थे ये इन पैसों को उठाते हैं और एक फैसला लेते हैं की हम थोड़े से पैसे उधार लेंगे इस ब्रीफ केस से जिससे हम यहाँ पर रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं डम्बो कहता है हम सारे पैसों का एकदम ठीक ठाक हिसाब रखेंगे टिल्लू हाँ हम एक एक पाई का हिसाब रखेंगे जो भी हम उधार लेंगे उसे हम चुका देंगे अब ये लोग एक ऐसे होटल में पहुँचते हैं जहाँ पर राजा महाराजा और प्रेसिडेंट वगैरह आकर ठहरते हैं टिल्लू जाकर बैड के गद्दे को टेस्ट करता है कहता है हम यहीं रहेंगे अब अगले दिन हम देखते हैं इन लोगों ने एक लैम्बोर खरीद ली है और ये सभी होटल के स्टाफ को एक बड़ी रकम वाली टिप देते हैं हम इनके कपड़े देखते हैं जिन्हें देख लगता है की ये कोई झिंगा लाला हु वाला डांस करने वाला להם होटल रूम में ये एक मूवी देखते हैं तो इनके आंसू निकल आते हैं और ये पैसों से ही अपने आंसू पूछते हैं अब जब टिल्लू अखबार में अगले शो का टाइम देखता है तो उसे मार्लो की फोटो दिखती है कहता है डम्बो कहता चलो देवदास अब तुम्हारी पारो से मिलने का वक्त आ गया ये हेयर कट के लिए जाते हैं जहाँ पर टिल्लू अपने सर पर कटोरा रखवा कर कटिंग करवाता है अब ये कपड़े ट्राई करने के लिए जाते हैं जहाँ पर दर्जी इन्हें एक से एक बेस्ट सूट ऑफर करता है पर इन गधों को सर्कस वाले जोकर का भेष ही पसंद आता है ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं जहां पर निकोलस दो धरती पर बचे खास उल्लुओं का आखिरी जोड़ा दिखा रहा था ये दोनों स्पीच सुनकर तालियां बजाते हैं अब इन्हें मार दिख जाती है डम्बो कहता है यहाँ खड़ा क्यों है जा और उससे बात कर टिल्लू की फट जाती है कहता है वो मुझे मेंटल पेशेंट समझेगी की मैं इतनी दूर सिर्फ उससे मिलने के लिए आया हूँ कहता है तू उसके पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और मेरी तारीफों के पुल बांध दे कि मैं अमीर हूँ हैंडसम हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ताकि मुझे अपनी तारीफ खुद ना करनी पड़े डम्बो कहता है ठीक है पूछता है तुम क्या करोगे ये कहता है मैं यही खड़ा रहूंगा और रोमांटिक हीरो डम्बो मार्लो के पास जाता है और इधर उधर की फिजूल की बातें करता है ये टिल्लू का नाम तक नहीं लेता और जैसे ही टिल्लू का नाम लेने वाला था तभी मार्लो की मोम यहाँ आ जाती है कहती है हे हैंडसम तुम कल को अपने साथ घुमाने के लिए जा सकते हो क्योंकि इसको फनी और हैंडसम मर्द बहुत ज्यादा पसंद है टिल्लू ऐसे पोज दे रहा था जैसे कि ये लोग इसी की बातें कर रहे हैं डम्बो कहता है ठीक है अब ये टिल्लू से आकर कहता है मैं कल तुम्हारी मुलाकात मार्लो से करवा दूंगा टिल्लू बहुत खुश हो जाता है ये सैम्पेन की बोतल उठाता है कहता है आज जश्न मनाने का मौका है अब जैसे ही ये इसका ढक्कन बोलता है तो ढक्कन सीधा जाकर उल्लू की खोपड़ी में लगता है जिससे उल्लू का राम नाम सत्य हो जाता है होटल में टिल्लू डंबो से पूछता है तो वो मुझे आज बार में दस बजे मिलेगी ना डम्बो कहता है हाँ ठीक दस बजे टिल्लू पूछता है तू इतनी चिपकू ड्रेस पहन कर कहाँ जा रहा है ये कहता है जब तक तेरी प्रेम कहानी चल रही है मैंने सोचा क्यों ना इन वादियों में घूम लिया जाए टिल्लू कहता है इस चिपकू ड्रेस में तेरे अंदर की बात सबको पता चल रही है डम्बो कहता है क्या टिल्लू कहता है बहुत छोटी सी चीज है किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा अब ये खुद ही मार्लो से मिलने के लिए पहुंच जाता है जहां पर ये स्की करने के लिए एक झूले पर बैठते हैं झूले के पोल पर बर्फ लगी थी डम्बो कहता है अरे वाह बर्फ अब जैसे ही ये उस बर्फ को चाटता है इसकी जीभ उस पोल से चिपक जाती है ये अपनी जीभ को इस पोल से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है मार्लो पूछती है तुम ठीक तो हो ना ये कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये मेरा रोज का काम है टिल्लू तिल्लुका बॉयज वाली ड्रेस पहनकर की तरह बार में पहुंच जाता है बार टेंडर कहता है सर अभी 45 मिनट बाद ओपन करेंगे टिल्लू कहता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ ये कहता है हाँ सर बिल्कुल मार्लो स्की के लिए उतर जाती है लेकिन ये अभी भी पोल से चिपका रहता है अब कुछ बच्चे इस झूले पर बैठते हैं इसके मुँह से लार टपक रही थी ये बच्चों से कहता है सुनो बच्चों क्या तुम्हारे पास एक कप गर्म पानी होगा टिल्लू बार टेंडर से पूछता है दस बज गए क्या बार टेंडर कहता है एक बज गए सर पूछता है क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हो टिल्लू कहता है हाँ लड़कियों को तो तुम जानते ही हो जब उन्हें किसी लड़के से मिलना होता है तो वो मेकअप से कप में घंटों लगा देती हैं मार जो कि स्की कर कर के थक चुकी थी वो डम्बो को देखती है जो की अभी भी झूले से चिपका हुआ था ये समझ जाती है की वो मुसीबत में है कहती है अरे बापरे क्या तुमको दर्द हो रहा है ये कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल थी ठीक हूँ मैंने तुम्हारे लिए सीट बचा कर रखी है ये इसको पीछे से जोर से पकड़ कर खींचती है जिससे इसकी जीप पोल से छूट जाती है अब ये दोनों एक बड़ा सा स्नोमैन बनाते हैं मार्लो इसको दो आंखें और एक गाजर देती है स्नोमैन के मुंह पर लगाने के लिए पर ये उल्लू कुछ और ही समझता है ये आंखों को गोटे बना देता है और गाजर को हथियार मार्लो इनको सही जगह पर लगाती है ये दोनों आपस में खूब मस्ती करते हैं यहाँ पर इंतजार करते करते इसके भटूरे चपाती बन गए थे तो यह बार टेंडर से पूछता है क्या तुम मार्लो सन नाम की लड़की को जानते हो यह कहता है हां टिल्लू पूछता है क्या तुम मुझे उसके घर का एड्रेस दे सकते हो बार इसको पूरा एड्रेस देता है जिससे टिल्लू वहाँ के लिए निकल पड़ता है डम्बो मार्लो को में उसके घर छोड़ने आता है है मार्लो डम्बो को पसंद करने लगी थी कहती है, क्या लेकर सात पैंतालीस पर पिक कर सकते हो ये कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा टिल्लू इन दोनों को देख लेता है जिससे इसका दिल तार तार हो जाता है ये दोनों अपने होटल रूम पहुंचते हैं जहां पर डम्बो इसको डम्ब करने की कोशिश करता है कहता है उसने सुबह के नहीं रात के दस बजे बोला होगा और तू सुबह चला गया लेकिन टिल्लू पूरी सच्चाई जानता था तो वो इसकी कॉफी में दस्त वाली दवाई मिला देता है अब जैसे ही ये मार्लो से मिलने के लिए पहुंचता है इसके पेट में गुड़क गुड़क होने लगती है तो ये टॉयलेट में चला जाता है जिसका फ्लस खराब था तभी टिल्लू भी यहाँ आ जाता है कहता है मुझे पहचाना लेकिन मार्लो इसको पहचानने से मना कर देती है ये अपना परिचय देता है कहता है मैं वही टैक्सी ड्राइवर हूँ बाबर टिल्लू जिसने तुमको एयरपोर्ट छोड़ा था मैं तुम्हारा ब्रीफ केस लेकर जो कि मेरे होटल रूम में है तो ये दोनों होटल रूम में पहुंचते हैं टिल्लू इसे इसका ब्रीफ है जिसे देख कर ये खुश हो जाती है और इसके गाल पर चुम्मी देती है टिल्लू कहता है मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो तुम्हे क्या लगता है कितने परसेंट चांस है मेरे जैसे लड़के और तुम्हारी जैसी लड़की के मिलन होने का मैं बहुत दूर से आया हूँ तुमको देखने के लिए इतना तो हक बनता है मेरा मार्लो कहती है हम दोनों के मिलन के चांस बहुत कम है टिल्लू कहता है तुम्हारा मतलब सो में से एक ये कहती है नहीं करोड़ों में से एक ये खुशी से कहता है तुम्हारा मतलब है कि चांस है तभी कोई दरवाजा खटखटाता है टिल्लू दरवाजा खोलता है हम देखते हैं निकोलस भी यहाँ पर आ पहुंचा है ये मार्लो से कहता है तुम्हारे पति के बारे में एक खबर है मेरे पास दरअसल मार्लो के पति को इसी ने किडनेप किया था और फिरोती की डिमांड भी यही कर रहा था टिल्लू कहता है तुम्हारा पति है अब मेरे उस चांस का क्या होगा तभी निकोलस इन पर गन तान देता है कहता है वो ब्रीफ केस जो तू लेकर घूम रहा है उसका मालिक मैं हूँ टिल्लू कहता है मेरे और मेरे दोस्त का पक्का इरादा है उस ब्रीफ केस की एक एक पाई का भुगतान करने का हम देखते हैं इस ब्रीफ केस के अंदर भर के बिल्स भरे हैं पैसे नहीं हैं टिल्लू कहता है ये रुपयों से भी ज्यादा कीमती है जैसे की ये कार की स्लिप है इसे खो मत देना बहुत महंगी है तभी यहाँ पर डम्बो भी आ जाता है कहता है मैं तुम्हे कुछ बताना चाहता हूँ और जैसे ही इन दोनों को बेड पर देखता है कहता है अच्छा तो तुम जान गए हो और वापस जाने लगता है निको स इन तीनों को बंदी बना लेता है मार्लो पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो टिल्लू कहता है हम दोनों दोस्त हुआ करते थे निकोलस पूछता है तुम दोनों बेवकूफों में से कौन पहले मरना चाहेगा टिल्लू कहता है मुझे मार दो डम्बो कहता है मुझे मार दो मैंने तुम्हारा प्यार चुराया है कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे सुहाना दिन था हम दोनों स्की करने के लिए गए जहाँ पर हमने स्नोमैन बनाया और इसने मुझे प्यार से छुआ टिल्लू कहता है ठीक है सारी गोलियां दाग दो इसमें निकोलस इसको सूट कर देता है ये देखकर मार्लो और टिल्लू रोने लगते हैं तभी डम्बो उठता है और सारी गोलियां इस पर फायर कर देता है टिल्लू कहता है तू जिंदा है पर तेरा निशाना कितना गंदा है तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है ये बताते हैं हम काफी समय से तुम्हारा पीछा कर रहे थे डम्बो कहता है इन्होंने मुझको नीचे पकड़ लिया और मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी हम देखते हैं निकोलस और अस्थि को गिरफ्तार कर लिया गया है मार्लो के हस्बैंड की किडनैपिंग के जुर्म में मार्लो इन दोनों से अपने पति को इंट्रोड्यूस कराती है और अलविदा कहकर यहाँ चली जाती है अब ये दोनों पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों ने इनका ब्रीफ केस जब्त कर लिया है और इनका स्कूटर भी खराब हो गया है टिल्लू कहता है ना जाने हमारी किस्मत हम पर कम मेहरबान होगी तभी यहाँ पर एक बस आकर रुकती है जो की देश भर के बिकनी वर्ल्ड टूर पर थी इन खूबसूरत मॉडल्स को देख इनकी आंखे चस जाती है ये कहती है हम दो मालिश करने वाले लड़के ढूंढ रहे हैं जो कॉम्पिटिशन ऐसी पहले हमारी मालिश कर सके डम्बो कहता है तुम बहुत लकी हो तीन मील दूर एक कस्बा है वहां पर तुम्हे दो बंदे मिल जाएंगे बस चलने लगती है ये दोनों खुशी खुशी इनको टाटा बोलते हैं तभी टिल्लू की दिमाग की बत्ती जलती है और डम्बो से कहता है तुम्हे अंदाजा है तुमने क्या कर डाला ये दोनों इस बस के पीछे दौड़ते हैं बस एक बार फिर से रुकती है टिल्लू कहता है मेरे दोस्त को माफ कर दीजिएगा ये दिमाग से थोड़ा पैदल है कहता है वो कस्बा उस तरफ है जहां तुम्हें दो बंदे मिल जाएंगे ये चले जाते हैं टिल्लू कहता है वाह अगले दो महीनों तक इन खूबसूरत लड़कियों के साथ दो लड़के घूम रहे होंगे डंबो कहता है हाँ फिक्र मत करो हमारे भी दिन आएंगे हमें बस आंखें खुली रखनी है और एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना है और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही पर समाप्त होती है तो चलते है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद